हाल ही में भारत ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यूरोप और अमेरिका को चौंकाते हुए पुनः एक नए माइलस्टोन को हासिल किया है। पश्चिमी वित्तीय संस्थाएं जो औपनिवेशिक लूट और दासों के शोषण के बल पर दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए हुए थी, उनको चुनौती देते हुए भारत के HDFC बैंक ने वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र में अमेरिकी बैंक मॉर्गन स्टेनली को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सिर्फ 4 बैंकों में शामिल हो चुका है। नमस्कार, आज के मुद्दे की बात में हम लोग HDFC बैंक के उत्थान और भारत के उदय पर वैश्विक प्रतिक्रिया की चर्चा करेंगे। 1 जुलाई 2023 से HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का विलय हो गया है। इसके साथ ही अब HDFC बैंक दुनिया का चौथा सबसे वैल्यूएबल बैंक बन गया है। वैल्यूएशन के मामले में HDFC बैंक HSBC और सिटी ग्रुप से भी आगे निकलते हुए दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन चुका है। इसके ऊपर केवल JP Morgan, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प्स ही हैं। इस विलय के बाद HDFC बैंक रिलायंस इंडस्ट्री के बाद भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 14.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और इसने वैल्यू के मामले में TCS कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार HDFC की ग्राहकों की संख्या 120 मिलियन से भी अधिक हो गई है, जो वर्तमान जर्मनी की संपूर्ण जनसंख्या से काफ़ी अधिक है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द इकोनॉमिस्ट के अनुसार यह दुनिया की अब तक की चौथी सबसे बड़ी विलय शामिल है। हालांकि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की इस विशाल बढ़त को लेकर चीन में जलन और असुरक्षा महसूस की जा रही है। चीन के न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में भारत के आर्थिक उदय का मजाक उड़ाया गया है। पश्चिमी देशों और चीन दोनों को यह समझने की आवश्यकता है कि लगभग 500 सालों तक इस्लामिक शासन और लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश लूट के बाद भी भारत मात्र 75 वर्षों में ही अंग्रेजों को पछाड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और बैंकिंग क्षेत्र में भी सभी यूरोपीय बैंकों को अपने पीछे छोड़ चुका है। आज अमेरिकी बैंक दिवालिया हो रहे हैं, वहीं भारतीय बैंक वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। यह दिखाता है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। साथ ही भारत का उत्थान किसी के विरुद्ध नहीं है। जैसा चीन का उदय पश्चिम और शेष विश्व पर वर्चस्व के रूप में देखा जाता है, भारत का उत्थान वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की संकल्पना के साथ हो रहा है। नमस्कार, ऐसे ही रोमांचक और महत्वपूर्ण जानकारी को देखने के लिए निर्माणा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।